हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। तो ये पराठे के लिए मैंने आलू ले लिए हैं, धुल कर रखे हैं ये। तो मैं इनको भगोनी में डाल लेती हूँ, रख लेती हूँ उबालने के लिए। तो मैं इसके बनाऊँगी पराठे। तो मैं इस तरीके से पूरे इनको यहाँ रख लेती हूँ इसमें भगोनी में। तो दोस्तों मैंने भगोनी में रख लिया, अब इसमें डाल देती हूँ मैं पानी। तो इतना सा मैंने पानी डाल लिया है आलू में, तो मैं अब इसको रख देती हूँ चूल्हे पे उबालने के लिए। तो दोस्तों मैंने चूल्हे पे भगोनी रख दिया है उबालने के लिए आलू, और मैं इसको ढक कर रख देती हूँ 15-20 मिनट के बाद देखूंगी मैं। तो दोस्तों मैं हमारे आलू उबल चुके हैं, क्या मैं देखती हूँ इसको उघार के। तो आलू हमारे उबल चुके हैं, अब मैं इसको उतार लेती हूँ नीचे। तो दोस्तों मैंने उतार लिया और मैं इसको थाली में निकाल लेती हूँ ठंडे होने के लिए आलू को। इनको होने दूंगी मैं ठंडा, फिर इसके छिलके को निकालूंगी आलू उनके को। तो दोस्तों हमारे आलू हो गए ठंडे, और मैं इसका छिलका निकाल लेती हूँ आलू के। तो इस तरीके से मैं छिलके निकाल लेती हूँ, और इधर मैंने इतने से छिलके निकाल लिए हैं। मैंने छिलका निकाल के आलू थाली में रख लिए हैं, और इतने से बाकी है बचे हैं, तो इनको मैं निकालती हूँ। तो दोस्तों मैंने छिलका निकाल लिया, अब मैं आलू को फोड़ लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं आलू को फोड़ूंगी, ये देखो अभी एकदम गर्म है, ठंडे नहीं है। तो मैं इस तरीके से पूरे आलू को फोड़ लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने आलू फोड़ के तैयार कर लिए, और मैं इसमें डाल लेती हूँ मसाला। तो पहले डालती हूँ मैं मिर्ची, तो ये मैंने डाल ली है लाल मिर्ची। अब डालती हूँ मैं स्वाद अनुसार नमक, तो स्वाद अनुसार मैं नमक डाल लेती हूँ। मैं नमक डाल लिया है, अब डाल लेती हूँ मैं जीरा। तो इतना सा मैंने जीरा ले लिया, मैं जीरे को डाल लेती हूँ इसमें। अब डालती हूँ मैं जो हरी मिर्ची मैंने काट कर रखी थी, तो हरी मिर्ची डाल लेती हूँ मैं। और ये रखी है मैंने लहसुन के पत्ते, तो लहसुन के पत्ते भी मैं इसमें डाल लेती हूँ। और इसमें मैंने डाल लिया अदरक और सौंफ के पत्ते हैं, और धनिया है, तो मैं इसको भी इसमें डाल देती हूँ। और ये दो मैंने बड़ी बड़ी प्याज ली थी, तो दो काट के रख ली, तो मैं प्याज को भी इसमें डाल लेती हूँ। तो मैंने मसाला पूरा डाल लिया, मैं इसको मिला लेती हूँ अच्छे से इसमें। तो दोस्तों मैंने इसमें पूरा मसाला मिला लिया, अब मैं इसको रख देती हूँ इकट्ठा करके। तो हमारा आलू का भरता बन के तैयार हो गया है पराठे के लिए। तो मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ, अब बनाऊंगी मैं पराठे। तो ये देखो हमारा भरता बन के तैयार हो गया है, मैं इसको रख देती हूँ एक तरफ। तो आटा लगा लेती हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने ये आटा ले लिया, तो मैं आटे को लगा लेती हूँ, और इसमें डाल लेती हूँ मैं नमक। आटे में नमक डाल लेते तो स्वाद भी अच्छा हो जाता है।
तो मैंने नमक डाल लिया है और मैं इसको लगा लेती हूँ, भून लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल डाल के मैं लगाऊंगी इसको। एक साथ पानी नहीं डालती, थोड़ा थोड़ा डालूंगी क्योंकि पतला हो गया तो फिर आटा ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इधर भी थोड़ा सा डाल लेती हूँ पानी। तो दोस्तों मैंने ऐसा आटा लगा लिया अभी और इसको मैं थोड़ा सा और गूंथ लेती हूँ पानी डाल के। इसमें थोड़ा सा पानी लगा लेती हूँ तो फिर मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा और गूंथ लेती हूँ इसको। तो इस तरीके से अच्छे से इसको गूंथ लेते हैं तो अच्छा आटा लग जाता है, तो परांठे भी अच्छे आ जाते हैं इसके और फटते नहीं। तो दोस्तों मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया, इधर मेरा भरता भी तैयार हो गया। तो अब मैं बनाती हूँ इसके परांठे। और ये मैंने इसमें तेल ले लिया है और ये चम्मच है लगाने की, तो मैं इसको तेल को रख देती हूँ। तो मैं इसका बना लेती हूँ। रोल, इसका रोल बना बना के मैं रख लूँगी। तो इस तरीके से बना लूँगी, ये देखो। तो मैं बनाती हूँ इसके परांठे। तो इधर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया, तो मैं सूखा आटा लगा लूंगी इसमें। तो इसको मैं बेल लेती हूँ, फिर इसमें भरूंगी मैं आलू का भरता। तो मैंने इस तरीके से देखो ये बेल लिया है, ये बेल लिया, ये मैंने रोटी जैसी बना ली है। फिर मैं इसमें लगाऊंगी आलू, भरूंगी इसमें। तो ये मैंने आलू रख लिए और आलू में ऐसे बंद कर लूंगी इसको इस तरीके से। तो ये मैंने बंद कर लिया है और मैं इसके ऊपर को थोड़ा सा तोड़ूंगी क्योंकि वो ज़्यादा हो जाता है। फिर मैं इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेती हूँ। अब मैं इसको बेल लेती हूँ। तो ये देखो मैंने बेल लिया, तो बिल्कुल हमारा परांठा इधर उधर से फटा नहीं है और आलू भी नहीं निकला इसमें से। तो हमारा पराठा बनके तैयार हो गया। इधर हमारा तवा भी गर्म हो गया है, तो मैं इसको डाल देती हूँ तवे पे। जब तक मैं दूसरा तैयार कर लेती हूँ, ये पकेगा जब तक, तो मैं दूसरा भी रोल इसका बना लेती हूँ आटे का। तो ये देखो मैंने दूसरा भी बना लिया, मैं आटे में लगा लेती हूँ। तो इसको भी मैं बेल के और बना के तैयार कर लेती हूँ। तो दोस्तों हमारा इधर तैयार हो गया, इस पैसे मैं पलट देती हूँ। तो दूसरे को मैं इसमें भर लेती हूँ आलू थोड़ा सा और बेल के। मैंने रोल बोला है और लोई भी बोल देते हैं आटे को। तो दोस्तों मैंने इधर से पलट लिया दोनों तरफ से। अब मैं इस पर लगा देती हूँ तेल। तो ये चम्मच से मैं तेल लगा देती हूँ और इधर से तो मैंने लगा दिया, इधर से भी मैं लगा लेती हूँ। तो ये देखो मैंने इधर से भी लगा दिया और दोनों तरफ से मैं इसको पकने देती हूँ। इधर उधर से मैं इसको पलट लेती हूँ। तो जब तक मैंने इधर ये तैयार कर लिया, तो इसको भी मैं बेल के तैयार कर लेती हूँ। अब इसको ये पक रहा है, जब तक मैं इसको बेल के तैयार कर लूँगी दूसरा पराठा बना के।
ये देखो मैंने बेल के तैयार कर लिया है। अब इधर भी हमारा ये पक रहा है। तो इधर हमारा परांठा बन पक के तैयार हो गया है। देखो ये हो गया परांठा, तो मैं इसको रख देती हूँ और इसको मैं दूसरे को तवे पे डाल देती हूँ पकने के लिए। तो दोस्तों मैंने इतने से परांठे बना लिए, अभी और बनाती हूँ और ये भी मैंने बना के रख दिया है। तो अभी थोड़े से और बच्चे हैं, उनको मैं बना लेती हूँ। तो दोस्तों हमारे परांठे बन चुके हैं और परांठे बना के मैं हो गई हूँ फ्री। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।